मंडी पुलिस द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालानों की संख्या घटने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग नियमों के प्रति कितने जागरूक हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़कों के किनारे लगे साइन बोर्ड को भी इग्नोर कर दिया जाता है। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि जो बाहरी राज्यों से हिमाचल के वादियों में घूमने के लिए आते हैं, उनको रास्तों का सही पता नहीं होता है और कानून का उल्लंघन करते हुए जहां से रोड दिखी चल देते हैं। इसी वजह से ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए रोजाना दिन रात चेकिंग के लिए ट्रैफिक अधिकारी तैनात रहते हैं। बाहरी राज्यों से आए यात्रियों ने बताया कि वे यात्रा करने आए हैं और उनका चालान काटा गया है। चालान के रूप में ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और साथ ही बताया कि इंश्योरेंस न होने के उनसे 600 रुपए लिए गए हैं। अटे को सारे कागज पत्र पूरे सी, सिर्फ एक इंश्योरेंस नहीं सीगा, लाइसेंस भी आए, प्रदूषण कार्ड भी आए, कॉपी भी आए। प्लान किया गया 600 का, प्लान किया गया 600 का। टूरिस्ट आए, हम कहते हैं वेलकम टूरिस्ट, मंडी आइए, पूरे हिमाचल में अच्छी बात है। हमारे वो दे के जाए, यहाँ के यादें लेके जाए, लेकिन हर एक न्यूसेंस ना फैलाएं, रोड एंड रेगुलेशन को समझें, यही कहना है।